बंदा इस सफर में चलकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खातिर अपनी किस्मत को संवारने के लिए, अपनी बिगड़ियों को बनाने के लिए जाता है और सफर करता है, अल्लाह ताला उसके उतने ही दर्जात बुलंद फरमाता है। और एक एक कदम, एक एक मील, एक एक जो सेकंड है जो उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में गुजरता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं आका की महफिल में जा रहा हूं, तो मेरा ये यकीन मोहकम है कि अगर इस सफर पर अगर किसी की मौत आ जाए तो उसको तो मुर्दा नहीं कह सकते, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है अल्लाह के यहाँ, क्योंकि वो देखो वो जा के कर रहा था, वो आका की मजलिस में जा रहा था, वो आका के हुक्मों की तामीर में कहीं जा रहा था। तो इसीलिए इस तसव्वुर को हम मजबूत से मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मौत भी जब आए तो इसी तसव्वुर में आए। और मैं इनके आगे भाई मोहम्मद वाजिद साहब के आगे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि ये खड़े होकर बैठकर जिस तरह पसंद फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला वर्फा बारगाह में बयान के जरिए से, नात के जरिए से, मनकबत के जरिए से जिस तरह पसंद फरमाए ये अपनी हाजिरी रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह करीमा कर करम बहर करीमी रहीमा रहम कर बहर रहीमी करीमा बस करम का वास्ता है कि निस्बत मेरी अब्दुल करीमी करीमा बस करम का वास्ता है कि निस्बत मेरी रसूल करीमी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब भाई जिक्र कर रहे थे मदीना पाक का, तो इसी हवाले से किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए तकदीर मदीना पाक लिख दे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातिब तकदीर मदीना पाक लिख दे मिलता है क्या मदीने पाक में एक बार जाके दे मिलता है क्या मदीने पाक में एक बार जाके दे कर तेरे
है मंगते की खैर हो खैरात दे कर फरमाते है मंगते की खैर हो बिन मांगे खैर मिलती है जा आजमा के दे बिन मांगे खैर मिलती है जा आजमा के दे करे ते Amen.